ओके गाइस, आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं, सुनने में आई है तो लंदन में रहती है, ये साउंड टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है। तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर दो वीडियो शूट कर लेना है कुछ इस तरह से। मैंने जो शूट किया हूँ तो आप भी कुछ इस तरह से शूट कर सकते हैं या फिर इससे बेहतरीन भी शूट कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका वीडियो शूट हो जाएंगे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक वीडियो का लिंक और एक काइनमास्टर एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड को आपको 10 से 15 सेकेंड तक कर देना है, इसके बाद डन करना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक वीडियो का भी लिंक दे रखे हैं, वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद लास्ट पॉइंट पर आना है, इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 सेकेंड तक आपको खुद का वीडियो लेकर आना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने जो वीडियो शूट किया हूँ उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने वीडियो सिंपल शूट किया हूँ तो आपको इससे बेहतरीन वीडियो को शूट करना है। इसके बाद मैंने वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को हमें रिमूव कर देना है। तो वीडियो को हमें 1 से 2 बार प्ले कर देख लेना है वीडियो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद वीडियो पर प्रेस करके रखेंगे और इसे आपको लास्ट तक लेकर आ जाना है कुछ इस तरह से। इसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको 1 सेकेंड तक का सीन चाहिए सिंपल। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देते हैं। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, इसे आपको सेंड टू बैक कर देना है। इसके बाद ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, क्रोमा की पर क्लिक करेंगे, इसे आपको सिर्फ इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद फिर से हमें ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो क्लियर पर क्लिक करते हैं और कलर की पे आते हैं, यहाँ पर आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डन कर देते हैं। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे फिर से हमारा ग्रीन स्क्रीन वीडियो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमें 2.9 पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। आपने जो सेकेंड वीडियो शूट किए थे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने जो सेकेंड वीडियो शूट किया था उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं सेकेंड वीडियो मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे और इस वीडियो को ऊपर प्रेस करके रखना है और 1.9 पर आपको लेकर आना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, 2.9 पे आ चुका हूँ। वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसे आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट आपको कर देना है तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 से 2 सेकेंड तक आपको इसको वीडियो को चाहिए सिंपल। इस वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देना है। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद सबसे पहले मैं क्रोमा की को इनेबल कर देता हूँ। अब आपको वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे और हमारा वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे रखा, उसी वीडियो का साउंड पर आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।